मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा में पानी की किल्लत बढ़ते ही जा रही है, कई कई दिन गुजर जा रहे हैं मगर पानी नहीं आ रहा है, और अगर पानी आता भी है तो वो 20 से 25 मिनट आता है। किसी को पानी मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है। अभी से पानी की किल्लत है तो सोचिए मई और जून के महीने में क्या होगा। मुंबरा में पानी को लेकर कई बार महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी सड़क पर उतर चुके हैं। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं मगर पानी पुरवठा विभाग की तरफ से पानी नहीं सिर्फ आश्वासन मिलता है। पानी की समस्या लेकर कल मुंबरा अमृतनगर की महिलाओं ने मुंबरा प्रभाग समिति पानी पुरवठा विभाग का घेराव किया। महिलाओं ने बताया कि जुमे के दिन पानी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। जुमेरात से जुमा तक शटडाउन रहता है, शनिवार रविवार को पानी का प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से किसी किसी को ही पानी मिल पाता है। जुमे के दिन पानी ना आने की वजह से मस्जिदों में भी पानी की किल्लत रहती है। मस्जिदों से भी आह्वान किया जाता है कि लोग अपने घरों से ही वजू बनाकर मस्जिद आएं। अक्सर ऐसा होता है कि या तो लाइट चली जाती है, पानी आता तो लाइट नहीं होती, और अगर पानी आ रहा होता है लाइट चली गई तो ऐसे में पानी की किल्लत और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों को स्कूल का मसला होता है, यूनिफॉर्म धुल नहीं पाता, बच्चों को अगले दिन खड़ा करवाना होता है। जुम्मा के दिन बोलो मेन मसला मत करो, मेन मसला आप लोग जुम्मा के दिन ये लोग पानी रोक देते हैं, सारा जुम्मा खराब हो जाता है। क्या मांग है आपकी कि जुम्मा को ना आए? जुम्मे को पानी दिया जाए, स्पेशली दिया जाए, और एक दिन अल्टरनेट दिया जाए पानी, और हम लोग का पानी का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। पानी का इतना कम टाइम है कि लोगों को पानी सफिशियंट 6 से 7 मिनट मिलता है। पानी 2 घंटा पानी आता है, इतना पानी में आप खुद सोच सकते हैं कि कितना, एक घर की खपत अगर 700 लीटर पर डे होगी तो उस घर को 200-250 लीटर पानी में गुजर करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और पानी में इतना खराब पानी अभी बीच में सप्लाई हो रहा था, यही हफ्ते से शायद 15-1 दिनों से पानी में थोड़ा सा कमी आई है, नहीं तो इतना खराब पानी, पीला पीला पानी सप्लाई हो रहा था। वो चाबी खोलने वाला भैया भी पानी चाबी नहीं खोलता है बराबर, बच्चे बीमार, वो बोलता है कि मुझे जैसा बोला जाता है मैं वैसा करता हूँ, तो ऐसे में परेशानी तो आम जनता को हो रही है जो कि टैक्स पे करती है। पानी जो है बुध, जुमेरा, जुम्मा ये 3 दिन लगातार कटता है, और बाकी रोज जो आता है वैसे आता है कि पानी ना आने के बराबर है। लोग पानी की बिल भी भरते हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। हमारे जो कॉरपोरेटर साहब, उन्होंने बुलाया था कि इनके सामने हम अपना मसला रखेंगे, मसले का हल निकलेगा, तो कह रहे हैं कि भाई अल्टरनेट डे पानी काटो, अगर आज काट रहे तो कल दे दो पानी, क्योंकि लोगों के पास इतना नहीं है कि पानी स्टॉक कर सकें। और पहले तो 15-20 दिन गटर का पानी आया पूरा, 6 महीने 7 महीने आ गया, और अब जो है उसका सोल्यूशन निकाले, नई पाइपलाइन डाल दिया है लोगों ने, नई पाइपलाइन डाल दी है। अब मसला ये है कि प्रेशर नहीं आ रहा पानी के अंदर, और 3 दिन कट रहा है पानी। कौन-कौन से दिन पानी नहीं आता है? बुध है, जुमेरात है, जुम्मा है। उसके बाद कब आता है? जी उसके बाद आता है, शनिचर से आता है, फिर लगातार शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, फिर बुध को मतलब मसला खड़ा हो जाता है। अभी किससे बात? प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारे पानी की लाइन के अंदर जो था, लाइन का चोकअप था। अभी शानू अशरफ पठान और हमने जो है अधिकारी वाघोड़ी सर और उनके और जो कामगार थे उनको लेकर हमने सर्वे करवा लिया। उन्होंने देखा लाइन को वॉश आउट करेंगे, और जो भी लाइन के अंदर चोकअप है चोकअप निकल कर जो है आपकी पानी की समस्या को दूर की जाएगी। नहीं, जो मोर्चा आया था उनका ये कहना था कि बुधवार और जुमा को जो पानी बंद होता है उससे प्रेशर है, उससे उनको बहुत मसला है। ये बंद मसला वो नहीं सर, मसला ऐसा है कि MIDC का जो शटडाउन है, जुमेरात के दिन 6 बजे से लेकर जुम्मा के दिन 12 बजे तक शटडाउन रहता है, 30 घंटे का शटडाउन है MIDC का, जिसकी वजह से सैटरडे और संडे के दिन जो है प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से पानी की 3 दिन की तकलीफ है, वो तो पूरे मुंबरा कौसा के अंदर ही है, ऐसा नहीं कि पर्यटकों को सिर्फ एक ही वार्ड में और एक ही जगह पर। और ये जो अभी लोग आए थे, कुछ लोग आए थे जिनका पानी का मतलब कुछ दिनों से पानी नहीं आ रहा था, तो उनके लाइन के अंदर चोकअप था, वो हमने सर्वे करवा दिया, उन्होंने वॉश आउट करके उनकी तकलीफ को। लेकिन उनका कहना है कि जुमा का शटडाउन हटाकर किसी और दिन किया जाए, तो इस पर कोई काम किया आप लोगों ने? नहीं, उसके लिए हमने लेटर दिया है आयुक्त साहब को कि भाई हमारा जो हमारी जो आबादी है, हमारी माइनॉरिटी की आबादी अल्पसंख्यक ज़्यादा है, जुम्मा के दिन हमारा नमाज का और ये सब टाइम होता है, तो पानी की शटडाउन नहीं कर सकते, पानी की ज़्यादा दिक्कत आती है। लोगों की मांग है कि जुमे के दिन शटडाउन ना किया जाए, क्योंकि जुमा को ही पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं पानी कि जो समस्या है वो अवैध तरीके से चल रहे पानी के कनेक्शन भी हैं। लोगों के घरों में पानी पीने को नहीं है, शहर में कई जगह आपको पानी के अवैध कनेक्शन मिलेंगे। अगर पानी पुरवठा विभाग सक्षम होकर अवैध कनेक्शन काटे तो कुछ हद तक पानी की समस्या दूर होगी और शहर वालों को पानी मिलेगा। मगर जब लोग पानी की मार झेलते हैं, जल विभाग से पानी ना आने की शिकायत करते हैं, तो एक ही जवाब मिलता है, ठीक है देखते हैं, हमारे पास भी
पानी की कमी है, आपकी समस्याओं पर विचार करेंगे मगर होता कुछ नहीं है। लोग हमेशा पानी के लिए मोर्चे निकालते हैं, आश्वासन लेकर घर वापस आ जाते हैं। बहरहाल अभी ये हाल है पानी का, तो आगे मई और जून के महीने में भी जल विभाग से बहुत आश्वासन मिलना बाकी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।